चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तराखंड के लिए सोमवार रात एक बुरे सपने की तरह था। मंगलवार सुबह होते ही चंपावत से खबर आई कि 16 लोग एक हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा टनकपुर चंपावत हाईवे से लगी सुखी डांग रीठा साहिब डांडा मीना रोड पर हुआ है और जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो एक बारात की गाड़ी थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में मौत का मातम छा गया है। अब तक हादसे में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब बारात वापस लौट रही थी। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो मैक्स गाड़ी थी और उसमें 16 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्शन मोड पर आया और 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद जान गंवाने वाले लोगों के शवों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई और अब तक लगभग सभी जान गंवाने वाले लोगों के शवों को निकाल लिया गया है। इस हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह ओवरलोडिंग हो सकती है। हालांकि पुलिस हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक यह शादी चंपावत के ककनई गांव के लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज की थी और हादसे में जान गंवाने वाले सभी लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी थे। दिल दहलाने वाली चंपावत की इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि आज सुबह सुखी डांग डांडा मीनार मार्ग पर बारात से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का दर्दनाक समाचार मिलने से मन व्यथित हुआ है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंपावत की इस घटना पर वह शोक व्यक्त करते हैं। इनमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का भी ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने घायलों को भी 50,000 रुपये इलाज के लिए देने का ऐलान किया है। इस हादसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी शोक व्यक्त किया। चंपावत की इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को आज शोक में डुबा दिया है। जिस घर में खुशी आनी थी वो हादसे की डरावनी तस्वीरों के साए से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। पहाड़ में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए इस पर नई सरकारों को काम करना होगा, तभी उत्तराखंड को 12 मास खुशहाल बनाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बढ़ रहे इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।